नमस्कार मैं हिंदी की पत्रकार हूँ ज्यादातर हिंदी में बात करूंगी चलेगा आपको जब कुछ नहीं था घर में जब ज, जब हम उस परिवार में पले बढ़े बुंदेलखंड के कि जहाँ मेरी माँ से कहा जाता था लड़की को खाना बनाना नहीं सिखा रही हो इस, क्या होगा इसकी जिंदगी में बिकॉज दैट्स ओनली थिंग दैट हैड टू डू कि विल शी फाइंड अ गुड फैमिली बिकॉज शी टू और उस जमाने में मेरी माँ मुझे किरण बेदी के बारे में बताया करती थी तो मुझे अभी भी याद है मैं सिक्स सेवन्थ में रही होगी तो मेरी माँ ने एक दिन इरिटेट होकर फैमिली में कहा कि खाना हर कोई बना सकता है जब सर पर पड़ती है मेरी बेटी इससे कुछ बहुत बड़ा करेगी ड्रीम्स uh, में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूर शेयर करना चाहूँगी दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन माय लाइफ आप लोग सब मुंबई में रहते हैं तो so आपको बॉलीवुड का शायद वो ऐसा ऑब्सेशन नहीं होगा जैसा हम लोगों को छोटे शहरों में होता था एंड अमिताभ बच्चन वो समवन लाइक ओ माई गॉड आई हैव टू जस्ट सी हिम वन डे और मैं नाइन सिक्स में डेली में नौकरी करती थी पैसे इतने नहीं होते थे कि ऑटो ऑटो फोर्ड करके तो आई यूज टू वॉक गुड फोर फाइव किलोमीटर्स टू कैच अ बस थैंक गॉड फॉर दैट बिकॉज आई वॉज क्रॉसिंग अ रोड

वो अपना नाम बताएंगे तुम अपना नाम बताना मतलब आई मीन यू हैव टू मीट हिम वन ऑन वन नॉट लाइक दिस एंड आई जस्ट वॉक आउट एंड वॉकिंग अवे फ्रॉम अ प्लेस मिस्टर बच्चन इज सपोज टू अराइव आई ओनली आई नो द मैडनेस दैट स्टिल इन साइड मी फॉर मिस्टर बच्चन एंड नाइनटीन नाइनटी सिक्स में सोची हुई ये बात मेरी चार मार्च दो हजार चार को पूरी हुई जब जी न्यूज ने मुझे मनाली भेजा तो मुझे मैं, मैं सपनों में बहुत यकीन करती हूँ जब लोग बोलते हैं ना कि ये ठीक है ज्यादा से ज्यादा क्या वर्स कम टू वर्स वो पूरा नहीं होगा

जर्नलिज्म की अगर बात करूँ करियर की मतलब फिर नाइनटी हार्ड कोर न्यूज़ में मेरी एंट्री हुई 2002 में 2002 से 5 तक मैं जी न्यूज़ में थी 5 के बाद मैं चैनल 7 गई तब मुझे लोगों ने कहा कि यू हैव ऑफर्स फ्रॉम एन डी टी वी यू हैव ऑफर्स फ्रॉम आज तक अदर चैनल विच अ वेल स्टेब्लिश्ड तुम एक ऐसे चैनल में जा रही हो जो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ चैनल सेवन वन न्यू ऑल्सो सो आई ऑलवेज टेल पीपल डू वॉट यू वॉन्ट टू डू नॉट वॉट यू शुड डू एज अ रिपोर्टर ओनली आई स्टार्टड बट थोड़ा सा हाँ मेरा बेंट इमोशनल स्टोरीज की तरफ ज्यादा था ह्यूमन स्टोरीज की तरफ ज्यादा तो एक्चुअली टू थाउजेंड सिक्स के आसपास एक टाइम आया था वेर आई वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम जर्नलिजम बिकॉज आई रिलाइज दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्ट टू डू और शायद जिंदगी लाइफ मेरी जिंदगी में नहीं आता तो मैं जर्नलिस्ट हो रहती भी नहीं बट थैंकफुली एज अ नाइस गेम ऑफ डेस्टनीटारू हैम टू मी लाइक अच्छा मिल गया एंड इट्स वेरी गुड जब लाइफ में, न, में ना जिंदगी में आपसे लोग बहुत एक्सपेक्टेशन ना रखें अब कहाँ एक हीरोइन करने वाली थी फिर कहाँ रिचा अनिरुद्ध करेगी अच्छा ये करेगी सो सो मार्केटिंग ऑल्सो लॉस्ट इंटरेस्ट एवरीबडी लॉस्ट इंटरेस्ट वेरी नाइस एंड माई कॉलीग टू कम एंड टेलमी कौन देखेगा ये रुला आ रहे हैं आप बेटे जब एडिट हो रहा था शो ऑन एयर भी नहीं हुआ था सो आई हेड माई कॉलीग्स है टेलमी आपका शो ना कोई देखने वाला नहीं है सो आई ठीक है कोई नहीं देखेगा मैंने एक एक अपने कॉलिक से एक बात कही थी मैं किसी और के लिए शो नहीं बना रही हूँ मैं सिर्फ इसलिए शो बना रही हूँ कि कम से कम रात में मैं चैन की नींद सो सकूँ कि एज अ जर्नलिस्ट मैंने कुछ तो अच्छा काम किया सो आई डोंट नो आप में से कितने लोग जिंदगी लाइफ के बारे में जानते हैं जब 2007 में शुरू हुआ था तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो अब फिर बाद में सत्ते में ये आया और अब काफ़ी बात होने लगी है होमो सेक्शालिटी मिस यूज ऑफ डाउरी एक्ट चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज पर मुझे लगता है इंडिया में टेलीविजन पर आने वाला पहला शो था वीवन नॉमिनेटेड फॉर द एशियन टेलीविजन अवार्ड्स domestic violence female feticide you name a topic social topic under the sun in india which we haven't touched in 6 years सो so, मुझे ये लगता था अच्छा फिर वो मार्केटिंग से वही वही फीडबैक्स आते थे कि रेटिंग्स ठीक हैं ओके ओके हैं तो मैं हमेशा आर्ग्यू करती थी कि रेटिंग्स ओके हैं आज दो साल जिंदगी लाइफ खत्म हुए हो चुके हैं मुझे ट्विटर पे रोज़ कम से कम दस मैसेजे आते हैं व्हेन आर यू रीस्टार्टिंग जिंदगी लाइफ तो मुझे लगता है कि मीडिया को या किसी भी जो भी कंपनीज या कॉरपोरेट से जो डेटा कलेक्ट करती है ना मेरा उनसे सबसे बड़ा एक झगड़ा है कि ये कहाँ से आती हैं रेटिंग्स Uh, कौन डिफाइन करता है कि किस शो को लोग पसंद कर रहे हैं सो अगेन गो अगेंस्ट द सेट सिस्टम प्लीज बिकॉज इफ यू हैव टू डू समथिंग विच इज यूनिक और विच यू वॉन्ट टू स्टे हैप्पी इन लाइफ आपकी जिंदगी में तरक्की होना हो लेकिन कम से कम आप खुश रहेंगे अपने उससे जिंदगी लाइव ने मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि जिंदगी लाइव ने क्या आपकी जिंदगी बदली सो so, उससे पहले एक चीज़ ये जरूर कि जब रेटिंग्स नहीं आती थी तो मैं कभी कभी अगर लगता था कि रेटिंग्स नहीं आ रही तो मैं हमेशा सोचती थी वॉट इज वॉट इज दैट दैट्स कीपिंग मी गोइंग टू डू जिंदगी लाइफ अ मेल फ्रॉम अ गर्ल इन इलाहाबाद सेंग की आई वॉज ऑन आई वॉज ऑन स्लीपिंग पिल्स फॉर लास्ट फोर ईयर्स मैं जिंदगी लाइफ देखकर मैं जिंदा हूँ शायद नहीं तो अभी तक मैं सुसाइड कर चुकी होती कोई लड़का कह रहा है कि आपने कैंसर का एपिसोड चलाया मेरी माँ को कैंसर था मुझे उससे हिम्मत मिली तब आपको लगता है कि चाहे सारी दुनिया गलत कहे आपने अपना काम सही किया इफ इफ यू बीन एबल टू चेंज इवन वन लाइफ थ्रू योर वर्क एज ए जर्नलिस्ट आई एम सेंग इट गिवस मी दैटिस्फेक्शन और जिंदगी लाइफ ने मुझे खुद कैसे बदला दो हज़ार सात तक मुझे भी प्रॉब्लम होती थी ओ हो उसकी सैलरी इतनी है ओ हो ये मेरी लाइफ में कितने प्रॉब्लम हो गए अरे मैं बीमार पड़ गई मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स की होती है गाइज स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्स इन यूर लाइफ यू हैवन मेट पेरेंट्स हुव लॉस्ट देर ओनली चाइल्ड संदीप उन्नी कृष्णन इन ट्वेंटी सिक्स इलेवन यू हैवन मेट अ डॉटर हुज फादर वॉज बर्न अलाइव इन फ्रंट ऑफ आर आईज़ इन एटी फोर राइट्स आप उस पिता से नहीं मिले हैं जिसके गुजरात दंगों में जिसकी आंखों के सामने उसकी बेटी का बलात्कार हुआ था आई मीन ओवर सिक्स यर्स आई मीन अब आज हम थोड़ा हंस के कह लेते हैं कि हम रोए हैं मेरे बगल में एक ऐसी 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 ऐसे, ऐसे कहानियाँ सुनी है मैंने कि उसके बाद अगर घर आकर मुझे इस बात पर दुख हो कि मेरे पास ओ माई गॉड वाई डोंट आई है जारा सूट तो मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए या मेरे पास ऑडिया मर्सिडीज क्यों नहीं है स्टार्ट फीलिंग ब्लेस्ड अबाउट योर सेल्फ एंड स्टॉप कम्पलेनिंग अगर एक, एक नौकरी चली गई तो मतलब अब तो मेरे साथ उल्टा हो गया मेरी जिंदगी में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है और दूसरे लोग मुझे थोड़ा पिटी करने ओहो बड़ी प्रॉब्लम हो गई इसे प्लीज स्टॉप इट मैंने इतना दुख जिंदगी में दूसरों का देख लिया है कि अब कोई दुख दुख नहीं लगता मुझे सो एज अ पर्सन आई हैव चेंज एंड पीपल टेल मी यू जिंदगी लाइफ देयर लाइव हैव चेंज बिकॉज ऑफ दिस एंड नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड लेसन आई एम ऑलवेज विलिंग टू टेक रिस्क Uh, जिस दिन मैंने आई वी सेवन से 2013 में इस्तीफा दिया था मेरा आशुतोष से बहुत झगड़ा हुआ था घर आई मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया ई एम आई संभाल लोगे? गे से क्या हो गया झगड़ा हुआ ऑफिस में आई सेट हाँ आई वॉन्ट टू क्विट माई जॉब ये हाँ हो जाएगा so, and मुझे लगता है इस देश की अस्सी फीसदी जनता ई के लिए काम करती है आज हमसे कोई कहे कि तुम्हारा लोन फ्री कर दिया तो हम सब शायद नौकरियां छोड़कर घर बैठ जाएंगे माई हस्बैंड लूज रेडियो शुरू किया तो लोगों ने कहा टीवी छोड़कर रेडियो में कोई क्यों आता है एंड यू नो जब जब आपसे लोग कहे ना ये काम मत करो वो प्लीज जरूर करना उसमें आपको जितनी सक्सेस मिलेगी और जितनी खुशी मिलेगी ना ट्रस्ट में वो किसी और में नहीं मिलेगी एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ मैंने देखा है चार लोग आके आपको बोलेंगे आप बेवकूफ है So, मुझे लगता है एज जर्नलिस्ट हम बहुत गलत डेफिनेशन बना लेते हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं हम अज्यूम कर लेते हैं थैंकफुली दिल्ली मेरी जान इज डूइंग वेरी वेरी वेल वी नाउ द चैनल वॉन्स टू मेक इट अ टू आर शो फ्रॉम अ वन आर शो सो आई हैव डिफाइड ऑल लॉजिक्स लास्ट वैल्यू द पीपल इन योर लाइफ हम बहुत मैकेनिकल हो गए आज अगर मैं यहां खड़ी हूँ आशुतोष यहां खड़े हैं या जितने भी स्पीकर्स स्पीकर आएंगे मुझे पता है ये इंस्पायर मोटिवेशनल टॉक्स में आना क्यों अच्छा नहीं लगता ऐसा लगता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत महान काम किया है आई एम सॉरी इफ यू थिंक दैट वी आर सक्सेसफुल और वेर एवर वी आर बिकॉज Because हम बहुत महान हैं, इट ड वर्क एंड वी आर हाईली मिस्टेक इन अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपनी जिंदगी के हर हर मोड पर आप सबकी जिंदगी में आपको कोई एक ऐसा इंसान याद आएगा जिसने उस वक्त आपकी हैंड होल्डिंग की होगी

कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आए कोई काम में अड़चन आए एक बार अपने आप से जरूर पूछिए दिल से कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं तो अगर वो नौकरी भी है करोड़ों की भी है नॉट वर्थ इट और दिल से कर रहे हैं वो कोई काम है जिसमें नुकसान भी हो रहा है आई थिंक इट्स स्टिल वर्थ इट सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम मी एंड जिंदगी लाइफ में छः साल में मैंने जितने भी मतलब आई इंटरव्यू फ्रॉम अ बमन इरानी राजू हिरानी जैसे सेलिब्रिटीज टू कपिल शर्मा टू सुपर थर्टी का जो टीचर uh, है जो पटना में uh, आनंद पढ़ाते हैं आईआईटी के बच्चों को एक क्वालिटी मैंने हर एक में देखी है देव नेवर गिवन अप इन लाइफ कितना भी हो जाए और मुझे लगता है कि कोई भी डार्केस्ट फेज आपकी लाइफ में आए प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस टू पास और नीलम कटारा जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने नितिश कटारा सन किल्ड वो जब जिंदगी लाइफ में आई थी मैंने उनसे पूछा था मैम डू यू एवर आस्क मी बिकॉज यू यू यूर अ हैप्पी फैमिली हस्बैंड वाइफ दो बेटे डूइंग वेरी वेल इन लाइफ एवरी थिंग सो एंड सडनली आपके एक बेटे का मर्डर होता है विद इन आई थिंक अ ईयर योर हस्बैंड डाइज एंड इट्स ऑल शैटर्ड सो डू यू यू एवर से मी एंड नो शी शी सेड सेड रिचा मेरी जिंदगी के पचास साल जब मैं बहुत खुश थी एक बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड था जान छिड़कने वाले बेटे थे तब तो मैंने कभी नहीं कहा भगवान से वाई मी सो आज जब मेरी जिंदगी में परेशानी आई है तो मैं क्यों कहूँ आई डोंट हैव द राइट टू से वाई मी सो दीज आर द रियल टीचर्स इन योर लाइफ और आपको अपनी जिंदगी में सड़क पर भी ऐसे टीचर्स मिलेंगे ऑलवेज कीप योर आइज इन यर्स ओपन फॉर सच टीचर्स आई डू दैट बिकॉज ऑफ जिंदगी लाइफ एंड स्माइल नो मैटर वॉट थैंक यू